हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इम्पॉर्टेंट वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे आज के डेट में 20 अगस्त को जो लेटेस्ट इवनिंग में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट की गई है आज के डेट में, उसके अकॉर्डिंग एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज IPO, पिरामिड टेक्नो प्लास्ट IPO और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ और IPO के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इन दोनों IPO में से कौन से IPO आपको पैसे डबल करते हुए देखने को मिल सकती है, किस तरीके से कैसे आने वाले समय में आप लोगों को इवेंट्स पे ध्यान रखनी चाहिए, इनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट कमेंट सेक्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं। सो फर्स्ट IPO के बारे में बात करें तो TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन IPO, इस IPO के बारे में बात करें तो 14 अगस्त इस IPO की लास्ट डेट थी। इस डेट तक जिन्होंने इस IPO में अप्लाई किया था उनकी यदि हम लोग बात करें तो अभी तक जो इस कंपनी के रजिस्ट्रार साइट की बात करें, लिंक इन टाइम इसकी बात करते हैं, तो इस पर अभी भी इसके अलॉटमेंट स्टेटस दिखना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इसकी जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आप लोगों को आज भी नहीं दिखना स्टार्ट होंगे, लेट नाइट तक भी कल आपको 10 से 12 के बीच में स्टार्ट दिखना स्टार्ट हो सकते हैं, या परसों या सॉरी कल के डेट में ही आपको 12 से 2 के बीच में श्योर शॉट है कि इसके अलॉटमेंट स्टेटस इसके रजिस्ट्रार साइट पे आपको दिखना स्टार्ट हो सके। वैसे इसके रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी फर्दर किसी भी तरीके की अपडेट की बात करें तो यहाँ पे बैंक के तरफ से डेबिट क्रेडिट या रिवॉक, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो डेबिट की तरफ से मैसेज आया तो समझिए कि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है, क्रेडिट या रिवॉक का मैसेज आया तो समझिए आप लोगों को इस IPO में अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो इस IPO के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करें तो जिस तरीके से जैसे इस IPO के रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे कि इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई रखी गई थी, उसके बावजूद भी इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की यदि हम लोग देखते हैं तो मार्केट कंडीशन थोड़ी सी भी सुधरती है तो थोड़ी सी पॉजिटिव लिस्टिंग एंड आपको मिलते हुए देखने को मिल सकता है। TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन IPO के बारे में बात करें तो एक वेल नोन ग्रुप की कंपनी के तौर पर कंपनी जानी जा रही है, जिसका यहाँ पर इम्पैक्ट पॉजिटिव इस कंपनी पर देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के लिस्टिंग की बात करें तो आप लोगों को 23 अगस्त BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी, तो उसके रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी अपॉर्चुनिटी बनेगी लिस्टिंग डे पर उसके बारे में आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाले वीडियो में 22 अगस्त को अपडेट कर दिए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए जब वीडियो मैं अपलोड करूँ। तो TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन IPO की जिस तरीके की आप लोगों को बस बननी चाहिए थी वो आप लोगों को बस बनते हुए नहीं देखने को मिला, या देखा जाए तो मार्केट में गिरावट थी, साथ साथ वैल्यूएशन मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा हाई थी, क्योंकि पिछले IPO के बारे में बात करें तो पेटीएम की बात करें, जोमेटो की बात करें या नायका की बात करें, इन सभी कंपनियों ने जिस तरीके की निगेटिव रिटर्न्स दी हुई थी उसी डर से या देखा जाए तो रिटेलर्स या होशियारी के कारण से आप लोग कह सकते हैं तेज हो चुके हैं रिटेलर्स, इस कारण से इस IPO में अप्लाई करते हुए नहीं देखने को मिले। इसी कारण से यहाँ पर रिटेलर्स में जो आप लोग को नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिलेगी उसके पीछे की एक और वजह है कि यहाँ पर इस कंपनी की 880 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 10% ही रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था 88 करोड़ के शेयर। इस कारण से इस IPO में देखा जाए तो आप लोगों को रिटेलर्स सबसे ज़्यादा अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये IPO के बारे में बात करें तो लगभग 2.5 गुना सब्सक्राइब हुई है, जिस तरीके की मार्केट की वैल्यूएशन है और जिस तरीके की माहौल बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग को अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में बनते हुए देखने को मिला है। वैसे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो किसी भी तरीके की कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे पिरामिड टेक्नो प्लास्ट IPO, इस IPO कल और परसों 2 दिन अप्लाई करने के लिए समय और बचा हुआ है, यानी कि आप लोग कल के डेट में आपको नंबर ऑफ अप्लीकेशन देखनी चाहिए, देन यहाँ पे तीसरे दिन आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे कल कितने नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब होती है उसके रिगार्डिंग 5 to 6 PM के बीच में एक अपडेटेड वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। वैसे अप्लाई करते समय आप लोगों को 166 रुपये जो कंपनी की करंट प्राइस है वही आप लोग को सिलेक्ट करनी होगी, 90 इक्विटी शेयर आपको लोगों को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। और वैसे यदि हम लोग कंपनी की इशू साइज़ की बात करें तो 153 करोड़ की टोटल इशू साइज आपको देखने को मिल रही है, इसमें 50% रिटेलर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है और 50% में से 30% QIB कैटेगरी के लिए और 20% आपको HNI कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इसके पीयर कंपटीटर ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए देखने को मिली है, तो इस कंपनी से भी एक अच्छी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। लेकिन आने वाले समय में कंपनी की लिस्टिंग के बाद किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, सो रेगुलर जुड़े रहेगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट IPO के बारे में बात करें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट जो कि रहने वाली है 22 अगस्त, यहाँ पर लास्ट डेट है इस IPO में अप्लाई करने के लिए, 25 अगस्त अलॉटमेंट डेट है यदि आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो, 28 अगस्त आपको पैसे रिफंड करने की डेट, 29 अगस्त डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, 13 अगस्त को कंपनी BSE NSE दोनों जगहों पर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट IPO के IPO में अप्लाई करने के लिए 14,940 रुपये आपके पास होनी चाहिए,
देन इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 100% थी और अभी देखा जाए तो 74.94% की प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिली, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न आप लोग कह सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी हलचल देखने को मिला है, 25 से लेकर 30 रुपीज़ के बीच में ही फ्लक्चुएट इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम करते हुए देखने को मिल रही है। 30 रुपीज़ यदि हम लोग लेकर चलते हैं तो लगभग 18% की प्रॉफिट पिरामिड टेक्नो प्लास टाइप आपको देती हुई देखने को मिल सकती है। लगभग 15,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 2,700 की प्रॉफिट पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ आपको देती हुई देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में यदि अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कल के डेट में नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट कंडीशनों को देखकर ही अप्लाई करने की प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि कल के डेट में मैं अपनी पूरी फाइनल डिसीजन आप सभी के साथ शेयर भी करूँगा, मेरी क्या ओपिनियन है कि किस तरीके से कैसे मैं अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। सो उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना होगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ, इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 22 अगस्त से आईपीओ ओपन होने वाली है, नेक्स्ट वीक से 24 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, इन तीन डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय दिया गया है। 2 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग कंपनी की देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए अट्रैक्टिव प्राइस 100 रुपीज़ रखी गई है। 108 रुपीज़ जो कंपनी के कट ऑफ प्राइस है वही आप लोग अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 130 इक्विटी ऑफ शेयर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी हुई। 351 करोड़ की टोटल इशू साइज रखी गई है। इस 351 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो आप लोगों को 50% QIB कैटेगरी के लिए, 30% 35% रिटेलर्स कैटेगरी के लिए और 15% HNI कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया। इस कंपनी के लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों जगह पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एक बार आप लोग देख सकते हैं 22 अगस्त ओपनिंग डेट है, 24 अगस्त लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, 29 अगस्त अलॉटमेंट डेट रखी गई है, आपको मिला है नहीं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और 13 अगस्त को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, नहीं मिलते हैं आप लोग को आईपीओ तो 31 अगस्त को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और 1 सितंबर को एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी BSE NSE दोनों जगह पर। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,040 रुपये आपके पास होनी चाहिए तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस आईपीओ की बात करें तो 91% की प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले थी, अभी 67% की होल्डिंग प्री आफ्टर आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग रहने वाली है। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 60 से लेकर 70 रुपीज़ के बीच में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्लैक्चुएट कर रही है। 70 रुपीज़ यदि हम लोग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर चलते हैं तो 178 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर रही है। यानी कि आज की डेट में कंपनी लिस्ट होती है तो एक शेयर पर 70 रुपये की प्रॉफिट दे सकती है, 178 रुपये पर 108 रुपये वाला कंपनी के शेयर प्राइस लिस्ट हो सकता है, लगभग 65% की आप लोगों को प्रॉफिट यह कंपनी दे सकती है और 9,100 की प्रॉफिट 15,000 यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आईपीओ देती हुई देखने को मिल जाएगी। तो उसके रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग भी आप लोगों को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जाए, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।